हेलो जी, दिस इज अमन अग्रवाल। तो आज आ चुके एक नई वीडियो लेके जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसके अंदर हम देखने वाले हैं कॉग्निजेंट एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो काफी स्टूडेंट्स के कॉलेज के अंदर कॉग्निजेंट एग्जाम हुआ होगा, आपका एप्टीट्यूड असेसमेंट, टेक्निकल असेसमेंट हुआ होगा। तो होप्स आपका कॉग्निजेंट का एग्जाम अच्छा हुआ हो। तो आप बात करने वाले हैं कि भैया इसकी क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है आपका जेएनसी, जेएनसी प्रो, जेएनसी नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए, कैसे हम कौन से इंटरव्यू के अंदर एलिजिबल हो गए। तो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना एंड वीडियो एंड तक देखना। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखो, ये कट ऑफ वेरी करती है आपके कॉलेज टू कॉलेज। अगर कॉग्निजेंट को आपके कॉलेज से ज्यादा स्टूडेंट्स लेने होंगे तो ऑब्वियसली जो आपके कट ऑफ होगी वो डाउन जाएगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहे हैं, ये आपके प्रीवियस टू और थ्री ईयर्स के डेटा से बात कर रहे हैं। जो हमारे 2024 बैच, 2023 बैच के अंदर कट ऑफ रही थी, तो कुछ एक्सपेक्टेड डेटा रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, तो वीडियो एंड तक देखना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, काफी कंटेंट आप लोग के लिए आने वाला है। अभी काफी चीजें आप लोग के लिए आने वाली है। कॉग्निजेंट इंटरव्यू प्लेलिस्ट की पूरी आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर आपकी कॉग्निजेंट इंटरव्यू प्रिपरेशन होगी। तो काफी कुछ आप लोग के लिए आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत के तुरंत वीडियो को देख लेना। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो सारी चीज हम प्रोसेस वाइज समझेंगे, अपना एक एक चीजें डिटेलिंग में समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था, देन स्क्रीनिंग राउंड, एंड देन हमारा कम्युनिकेशन असेसमेंट। तो कम्युनिकेशन असेसमेंट की भी हमने वीडियो बनाई थी, ठीक है। अब बात करते हैं ऑनलाइन असेसमेंट की, जो आपने दिया होगा एप्टीट्यूड असेसमेंट और टेक्निकल असेसमेंट। राउंड टू के अंदर दो राउंड होते हैं, एक दो असेसमेंट होता है एप्टीट्यूड असेसमेंट और हमारा टेक्निकल असेसमेंट। देन हमारा इसके बेसिस पे, किसके राउंड टू के बेसिस पे, अगर आप राउंड टू क्लियर कर लेते हो तभी आप ऑफलाइन टेक्निकल इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हो, जेएनसी, जेएनसी प्रो, जेएनसी नेक्स्ट। चाहे तो आपके कॉलेज के अंदर होगा, चाहे कॉग्निजेंट अपनी कंपनी के अंदर बुलाएगी, कहीं पे भी बुलाएगी, बट ये आपका इंटरव्यू ऑफलाइन होगा, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा है, एंड इसके बाद जैसे आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाता है देन आपको क्या मिलेगा, इफ सेलेक्टेड लेटर ऑफ इंटेंट, LOI। अब सारी चीज देखते हैं, एक एक देखते हैं, सेक्शन वाइज कट ऑफ, एप्टीट्यूड राउंड की क्या कट ऑफ रहेगी, टेक्निकल असेसमेंट की क्या कट ऑफ रहेगी, सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे एप्टीट्यूड असेसमेंट की, जिसके अंदर आपने 30 क्वेश्चंस किए होंगे, जो हमारे 30 मिनट्स के अंदर आपको सोल्व करने होंगे। एंड यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आपके हार्ड लेवल के आए थे, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा रहा था, एंड बाकी 20 क्वेश्चन जो थे वो नॉर्मल थे, हम नॉर्मल मान सकते हैं, जिनका लेवल हम मीडियम लेवल का मान सकते हैं, ठीक है। अब ये भी बहुत डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन कितने हार्ड लेवल के आए हैं। अगर ऑब्वियसली अगर आपका एप्टीट्यूड असेसमेंट हार्ड लेवल का है तो ऑब्वियसली कट ऑफ डाउन जाएगी, एंड अगर आपका कोई भी असेसमेंट है वो इजी लेवल का है तो ऑब्वियसली कट ऑफ अप जाएगी। अब बात करते हैं एप्टीट्यूड के अंदर जिसके 30 क्वेश्चन थे, अगर आपने 30 क्वेश्चन में से अप्रोक्स 14 to 15 क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, अगर 14 to 15 क्वेश्चन आपने करेक्ट कर लिए, अगर आपने 14 to 15 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो गए तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। एप्टीट्यूड असेसमेंट की बात कर रहे हैं, अब बात करते हैं टेक्निकल असेसमेंट की। टेक्निकल असेसमेंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। आपका जो इंटरव्यू आएगा वो एप्टीट्यूड और टेक्निकल असेसमेंट के बेसिस पे ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल होगी। कितना अच्छा आपका एप्टीट्यूड राउंड गया तो एप्टीट्यूड राउंड भी आपका एक प्लस पॉइंट लेके जाएगा, ठीक है। एप्टीट्यूड राउंड के बेसिस पे भी आपको जज किया जाएगा। तो अगर यहाँ पे आपके 14 to 15 क्वेश्चन सही है, अगर आपके 10 क्वेश्चन सही है तो थोड़ी सी आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो सकती है। अब ये डिपेंड करेगा आपके कॉलेज टू कॉलेज, डिपेंड अपॉन द कॉलेज टू कॉलेज कि आपके कॉलेज में क्या कट ऑफ लगती है, ठीक है। तो ये चीज कुछ चीजें, कुछ पैरामीटर्स कॉलेज टू कॉलेज भी डिपेंड करता है, ठीक है। एंड कुछ पैरामीटर्स डिपेंड करता है कि कॉग्निजेंट को कितने स्टूडेंट्स हायर करने हैं। देखो अगर कॉग्निजेंट को ज्यादा स्टूडेंट्स हायर करने होंगे तो ऑब्वियसली जो कट ऑफ होगी वो बहुत डाउन जाएगी। अगर कॉग्निजेंट को ऑब्वियसली एक चीज समझो, अगर स्टूडेंट ज्यादा हायर करने होगी तो कट ऑफ क्या जाएगी, डाउन जाएगी। अगर कॉग्निजेंट को स्टूडेंट्स कम हायर करने होगी तो कट ऑफ ऑब्वियसली अप जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा कंपनी के अंदर, ये डिपेंड करेगा कॉलेज टू कॉलेज चीजें। तो 14 to 15 अगर क्वेश्चन आपने सही किया तो आप कहाँ पे हो, आप एक सेफ जोन पे हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं कि सिर्फ एप्टीट्यूड बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आएगी, आपको टेक्निकल असेसमेंट में भी आपकी कट ऑफ होनी चाहिए, आपको यहाँ भी क्रैक होना चाहिए। अब हर एक क्लस्टर के अंदर, ये हमने एक क्लस्टर ले लिया कोई भी, 2 SQL कोडिंग क्वेश्चंस आपके आए थे हर क्लस्टर के अंदर 35 मिनट्स के अंदर, जो आपको करने थे।
दो जावा कोडिंग क्वेश्चन, क्लस्टर 2 के अंदर पाइथन कोडिंग क्वेश्चन आया होगा, क्लस्टर 3 के अंदर सी का रहा होगा। तो ये 60 मिनट्स के अंदर आपको दो कोडिंग क्वेश्चन करने थे एंड HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो क्लस्टर 1 एंड क्लस्टर 3 का सेम था, क्लस्टर 2 के अंदर क्लाउड के कुछ क्वेश्चन थे। तो 25 मिनट्स के अंदर यहाँ पे अपने कुछ क्वेश्चन थे वे आपको करने थे। अब बात करते हैं, देखो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये सेकंड वाला कोडिंग क्वेश्चन। तो कोडिंग क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है SQL। तो SQL और कोडिंग क्वेश्चन के ही आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब बात करते हैं, देखो अगर आपने इसमें से अगर आपने कोई भी कोडिंग क्वेश्चन, अभी काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने कोडिंग क्वेश्चन एक भी नहीं किया होगा, अभी काफी स्टूडेंट्स होंगे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ जिनका एक भी कोडिंग क्वेश्चन नहीं हुआ है। ठीक है, देखो अगर आपका एक भी कोडिंग क्वेश्चन नहीं हुआ है तो आपको जेएनसी के लिए कॉल आ जाएगी, बट कंडीशन सुनो, अगर आपके SQL आपका अच्छा गया होगा, आपने इसमें परफॉर्म सही किया होगा, SQL क्वेरीज अच्छी तरीके से लिखी होगी, जो भी आपने SQL क्वेरीज लिखी अभी काफी स्टूडेंट्स ने लिख दी होगी, बट उनका करेक्ट होना जरूरी है। आपने कोई भी SQL क्वेरीज लिख दी एंड वे करेक्ट नहीं है तो वो आपकी गलत है। तो आपके SQL क्वेरीज सही होने चाहिए, आपके जो HTML CSS JavaScript या क्लाउड के क्वेश्चंस थे ये सही होने चाहिए और एप्टीट्यूड में आपकी 14-15 क्वेश्चन आपके अप्रोक्स सही होने चाहिए, तब आपको जेएनसी के लिए कॉल आ जाएगी। देखो तीन आपको ऑफर मिलेंगे, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जेएनसी, जेएनसी प्रो, जेएनसी नेक्स्ट। अब ये किसको कौन सा मिलेगा, किसको जेएनसी मिलेगा, किसको जेएनसी प्रो मिलेगा, किसको जेएनसी नेक्स्ट मिलेगा, ये डिपेंड करेगा आपने कितना अच्छा एग्जाम दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब अगर आपने एक कोडिंग क्वेश्चन सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है कोडिंग क्वेश्चन और आपने अपना ठीक ठाक, आपका एवरेज SQL कोडिंग पार्ट हो गया, आपका HTML CSS JavaScript पार्ट हो गया, एप्टीट्यूड आपने सही से कर लिया, आपको इजिली जेएनसी प्रो के लिए कॉल आ जाएगी, मतलब जेएनसी प्रो का आप इंटरव्यू में बैठोगे। अब बात करते हैं जो सबसे बड़ा पैकेज है जेएनसी नेक्स्ट। जेएनसी नेक्स्ट के आपके अंदर दोनों के दोनों कोडिंग क्वेश्चन अगर आपके सही है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स के दोनों कोडिंग क्वेश्चन सही हो गए जिनकी कोडिंग अच्छी है, बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के कोडिंग क्वेश्चन कॉग्निजेंट के अंदर देखने को नहीं मिले थे, अगर आपने कोडिंग वन शॉट भी अच्छे से किया होगा तो आपने इजिली एक क्वेश्चन तो सबमिट कर दिया होगा। ठीक है, हमने कोडिंग वन शॉट बनाया था कॉग्निजेंट का, वो काफी स्टूडेंट्स को हेल्प किया है, मुझे पर्सनली मेल आई है कि भैया काफी क्वेश्चंस भी वहां से आई है। तो देखो अलग अलग क्वेश्चंस थे, स्लॉट वाइज अलग अलग क्वेश्चंस थे, कॉलेज वाइज अलग अलग क्वेश्चंस थे, बट अगर आपने दो कोडिंग क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं एंड आपका SQL पार्ट ठीक गया, HTML CSS JavaScript पार्ट एवरेज गया, एप्टीट्यूड राउंड सही गया, तो आप इजिली जेएनसी नेक्स्ट के लिए एलिजिबल हो। किसके लिए एलिजिबल हो, जेएनसी नेक्स्ट के लिए। अब काफी स्टूडेंट्स ऐसे हो गए जिनका SQL पार्ट भी अच्छा नहीं गया, जिन्होंने कोडिंग क्वेश्चन भी एक भी सबमिट नहीं किया, जिन्होंने HTML CSS JavaScript के क्वेश्चन भी सही से नहीं हुए, तो उनकी चांसेस क्या है, उनकी चांसेस है रिजेक्शन। मैं साफ साफ बोल देता हूँ, मैं किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी उसमें नहीं रख रहा हूँ कि हाँ आपके कुछ चांसेस है। ठीक है, आप कभी भी भैम में मत रहना, तो मैं आपको साफ साफ बता दूँ, अगर आपका टेक्निकल असेसमेंट अच्छा नहीं गया तो आपको रिजेक्टेड ही मिलेगा, आपका रिजेक्शन ही आएगा, भले ही आपने एप्टीट्यूड राउंड कितना भी अच्छा कर लिया हो। जब तक आपका टेक्निकल पार्ट अच्छा नहीं गया होगा, अगर आपने SQL के क्वेश्चंस भी नहीं सही से किए, कोई भी कोडिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, कोई भी आपने HTML CSS JavaScript के अंदर आपके अच्छे क्वेश्चंस मतलब अच्छे नंबर नहीं आए हैं, यहाँ पे आपके MCQ सही नहीं हुए, अगर आपने अच्छा गया आपका अच्छा नहीं गया तो ऑब्वियसली आपका रिजेक्शन आएगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका पेपर अच्छा नहीं गया, जिनका टेक्निकल पार्ट अच्छा नहीं गया। बट अगर आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर आपके कोई भी कोडिंग क्वेश्चन नहीं हुआ है बट SQL और बाकी का पार्ट आपका सही गया, तो आपको जेएनसी के लिए कॉल आ जाएगी। अगर आपने एक कोडिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया तो आपको जेएनसी प्रो के लिए कॉल आ जाएगी, अगर आपने दो कोडिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया तो आपको जेएनसी नेक्स्ट के लिए आ जाएगी। अब इंटरव्यू आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो कि विद इन 5-7 डेज के अंदर आपका इंटरव्यू के लिए मतलब आप इंटरव्यू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगी आपके इंटरव्यू। एंड डोंट वरी, इंटरव्यू के लिए आप लोगों के लिए मैं एक वन शॉट लेके आऊंगा जो काफी हेल्प करेगा, वे कॉग्निजेंट क्वेश्चंस होंगे, वे कॉग्निजेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे जो काफी बार कॉग्निजेंट ने पूछे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट वन शॉट आप लोगों के लिए प्लान किया जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी जल्दी बताओ, जिसको जल्दी जल्दी इंटरव्यू वन शॉट चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर कॉग्निजेंट इंटरव्यू वन शॉट कमेंट कर दो। एंड सारी चीजें मैंने बता दी है, सारी आपको कट ऑफ्स बता दी है, अगर अब भी किसी का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए, कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हो कि भैया मेरे इतने क्वेश्चन सही गए हैं, क्या मेरे चांसेस हैं। ठीक है, और बाकी अगर आपका कोई भी डाउट्स है, पर्सनली आपको ईमेल करनी है तो आप ईमेल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, सारी कट ऑफ्स बता दी है। ठीक है, एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज है, सपोज करो आप जेएनसी नेक्स्ट के लिए चले गए, सपोज आपको कॉल आ गई जेएनसी नेक्स्ट के लिए, बट इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूँ, राउंड 3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट,
राउंड वन राउंड टू के लिए आप पहुंच गए, बट राउंड थ्री अगर आपको गलती से बेकार चला गया तो तभी के तभी आपको रिजेक्शन के चांसेस राउंड थ्री से भी है। तो ये मत सोचना कि मैंने राउंड वन क्रैक कर दिया, मैंने एप्टीट्यूड राउंड क्रैक कर लिया, मैंने टेक्निकल राउंड क्रैक कर लिया तो मैं इंटरव्यू को मतलब इंटरव्यू के अंदर रिजेक्ट नहीं होऊंगा। अगर आपने अच्छे तरीके से दे दिया तो ऑब्वियसली आपको लेटर ऑफ इंटेंट मिलेगा, बट अगर आपने वहां पे अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो आपको रिजेक्शन के भी चांसेस है। तो दोनों चीज लेके चलना। सपोज करते हैं अगर आप जेएनसी नेक्स्ट के लिए गए हो एंड आपका इंटरव्यू एवरेज गया है तो आपको जेएनसी प्रो भी मिल सकता है, जेएनसी भी मिल सकता है, चांसेस ज्यादा जेएनसी के रहते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखना। अगर आपका जेएनसी नेक्स्ट पे ही अच्छा गया तो ऑब्वियसली आपको जेएनसी नेक्स्ट पे ही मिलेगा, ठीक है। तो आपका इंटरव्यू के अंदर भी आपको रिजेक्शन मिलेंगे, तो ये मत सोचना अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, आपने इंटरव्यू अच्छा दिया तो ऑब्वियसली आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। तो सारी चीजें हमने देख लिया, सारी कट ऑफ्स देख लिया, ठीक है। मैंने आपको टेक्निकल एप्टीट्यूड कट ऑफ्स बता दिया, सारी चीजें बता दिया। इंटरव्यू आप एक्सपेक्ट करना, मैंने आपको बता दिया 5 to 7 days के अंदर आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये मान के चलना एंड अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर दो। बाकी आप लोग के लिए वीडियो में लेके आ रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी जल्दी बता दो कि आपको वीडियो चाहिए क्या। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कोग्निजेंट इंटरव्यू या आपको कमेंट करना है, जल्दी जल्दी कमेंट कर लो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काफी कंटेंट आप लोग के लिए आने वाला है, काफी कंटेंट लाइन अप है, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है किसी भी कंपनी के लिए। एंड कोई भी कंपनी आपकी कॉलेजेस के अंदर आती है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, जिससे मैं आप लोग के लिए वीडियो बना दूं, एक सेपरेट वीडियो आपके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं। तो आप लोग मेल भी कर सकते हो जो भी पर्टिकुलर, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे किसी भी डोमेन पे वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हो, आप मेल भी कर सकते हो। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चीजें समझ में आई हो, एंड अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।